देख लेना कैसी चीज है वो। एक इंच भी इनकी बॉडी में आने की हिम्मत नहीं करता। गुड बी डाइटिशियन है, पेट हो रहा है अपन। ये कश्मीरी वर्क है गाइस, सलवारों का ट्रेंड जो है वो दोबारा से आ रहा है। जल्दी सिस्टर होंगी मैं, फिर आपको पहन के दिखाऊंगी। आज मैं आई हूँ लोगों को लेके, दुश्मनियाँ पाल के रखते हैं वो पूरी जिंदगी। डांट पड़ रही है मुझे बहुत ज्यादा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज बहुत सालों के बाद जो मेरी सिस्टर है वो मेरे घर आ रही है। मतलब आज तक आपने मेरी सिस्टर को मेरे घर में कभी नहीं देखा होगा, ऐसे आपने देखा है उनको। जब मैं अपने भाई वगैरह के पास जाती हूँ तब आप उनसे मिल चुके हो, लेकिन आज आप उनको मेरे घर पे देखोगे। लंच टाइम तक वो लोग पहुँच जाएंगे, तो आज मैं आपको अपनी सिस्टर से मिलवाऊंगी। चलिए पहले लंच की तैयारी कर लेते हैं फटाफट। फिलहाल लंच के लिए बहुत सिंपल सा एक मेन्यू मैंने रेडी किया है, सिर्फ दाल राइस बनाऊंगी, दही भल्ले बना रही हूँ, साथ में पालक पनीर हो जाएगा। तो डिजर्ट में मैंने बनाया है मूंग दाल का हलवा, तो अभी लंच के लिए यही मेन्यू है। डिनर की बात हम डिनर पे करेंगे। लंच का मेन्यू मैंने बहुत ही सिंपल रखा था, क्योंकि सिस्टर और उसकी फैमिली बहुत सिंपल है और उनको सिंपल खाना ही पसंद है। मतलब पिछले दो दिन से मुझे कंटिन्यूसली बोल रही थी कि सिर्फ दाल राइस बनाना और कुछ मत बनाना। बहुत फैंसी और एक ही टाइम पे बहुत सारी वैरायटी खाने में उसे नहीं पसंद। थ्री डेट्स वाली आंटी ने कहा था कि पनीर तो सोने के भाव बिकेगा, अभी तक तो बिका नहीं। तो इनमें से कोई भी रेसिपी आपके साथ इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये सारी रेसिपीज रिपीटेडली मैं अपने चैनल पे अलग अलग व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। बस इतना कहूँगी कि कभी भी आप मटर पनीर बनाओ, पालक पनीर बनाओ या आलू पनीर बनाओ, तो थोड़ा सा ना पनीर को तवे के ऊपर सेक लो, थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है, और फिर उसे पानी में डाल दो, नमक वाले पानी में, तो थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है और उसमें नमक का टेस्ट भी आ जाता है। और जिस पानी में मैंने भल्ले डाले थे वो निकाल के उसी पानी में मैंने वापस से पनीर डाल दिया। और तड़के में खड़े मसाले, साथ में प्याज अदरक लहसुन और फिर पाउडर मसाले, मतलब टमाटर वगैरह मैंने इसमें नहीं डाले हैं। तो दही भल्ले तैयार, और उसके बाद आप इसे गार्निश कर सकते हैं जीरा पाउडर और चाट मसाला पाउडर के साथ, अनार के साथ भी। और बस पालक पनीर भी ऑलमोस्ट रेडी है, बस लास्ट में एक छौंक लगाना है सूखी लाल मिर्च, लहसुन, हींग वगैरह डाल के, तो उससे टेस्ट और बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद दाल भी मेरी तैयार हो गई है। अच्छा, डिज़र्ट में मैंने आपके साथ शेयर किया है पिछले व्लॉग में, होली वाले व्लॉग में, मूंग दाल का हलवा, तो वही मैंने रखा था बचा कर। मुझे पता था कि गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए अलग से मैंने निकाल के रख दिया था, तो वही सर्व करूंगी। कब आ रहे हैं मासी? रास्ते में आ रहे हैं। आजकल इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारी रील्स अपलोड होती हैं कि मासी को लेकर, कि मासी का फोन आ जाए तो बच्चे घर के डर जाते हैं कि अब मम्मा का एक डेढ़ घंटा आराम से लग जाएगा। हंसी में उन चीज़ों पर, और ये सच में रियलिटी है कि आप किसी को फ़ोन करते हो 10 मिनट 5 मिनट बात करके आपका 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा होके आपका हो जाता है ख़त्म, लेकिन आपकी सिस्टर जो होती है वो ऐसी एक चीज़ है जिसके साथ आप घंटों बातें कर सकते हो। बहुत चीज़ ही है वो, आएगी ना अभी देख लेना कैसी चीज़ है वो तो घंटों बातें कर सकते हो। जब भी फ़ोन आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम डेली बात करते हैं, संडे को ज़्यादातर हमारी बात होती है, संडे को वो भी फ्री होती है क्योंकि उसका भी बुटीक है, तो संडे को उसका भी ऑफ होता है। जब वो फ़ोन आ जाता है तो मतलब हमें टाइम का पता ही नहीं चलता कि कैसे एक घंटा डेढ़ घंटा आराम से हो जाता है जब भी फ़ोन आता है ना पूछते मासी का फ़ोन, ओ अब गए, अब मम्मा गए, अब मम्मा तो लगेंगे 2 घंटे मम्मा के। आज मैं आपको दिखाऊंगा जब मासी और मैं घंटों बातें करते रहेंगे ना, और आपको बात नहीं करने देंगे हम। सच में बस तू मासी के साथ क्या घंटों बातें करेगा, आपको क्या पता, बहुत बातें हैं मासी और बस करने के लिए। पूरी जवान होगी ये वो लोग हैं जिनको भगवान की ब्लेसिंग्स हमेशा के साथ रहती है, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म भगवान ने ऐसा बना के भेजा है कि जो मर्जी खाएं, दिन रात ये पकौड़े खाएं, इनका जो फैट है ना एक इंच भी इनकी बॉडी में आने की हिम्मत नहीं करता हम तो हवा पानी के साथ ही हमारा फैट बन जाता है, हवा पानी के साथ सिर्फ, और ये कुछ भी खाएं कोई, उधर ले लो एक इधर सेम वंशिका
इसका भी कुछ नहीं हो सकता, इसका भी कोई फैट नहीं बनता, ये तो खाती भी, ये तो मैं इसको तो मैं यही कहूंगी कि ये वुड बी डाइटिशियन है, ये इतना हेल्दी खाती है गाइस। इस एज में आकर बच्चे ना जंक खाते हैं, कितना अनहेल्दी खाते हैं, अगर इसको भूख लगती है तो ये फ्रूट मांगती है, सैलेड मांगती है। फिर एक मैं भी हूँ, मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, मैं भी जितना मर्जी खा लूं बस लगता ही नहीं मुझे। आप लोगों ने मुझे बहुत बार कहा है और मैं खुद से भी ये बहुत बार कहती हूँ कि सच में बहुत अच्छे अच्छे रिश्तों के साथ नवाजा है कुदरत ने मुझे, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, भाई भाभियाँ हैं, मेरी सिस्टर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, और तो और मेरी शेप अप योर लाइफ की पूरी फैमिली, सभी बेशकीमती हैं। मतलब हमारे रिश्तों में ऐसे भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिनके साथ बात करते हुए हमें बहुत सोच सोच कर संभल संभल कर बोलना पड़ता है, लेकिन आपकी लाइफ में अगर सिस्टर है ना तो वो एक ऐसा रिश्ता है जिसके साथ आप दिल खोल के बात करते हो, मतलब जो आपके दिल में है ना वो जुबान पे आ भी जाए तो उसका कोई पछतावा आपको नहीं होगा, क्योंकि वो आपको कभी जज नहीं करेगी। डांट पड़ रही है मुझे बहुत ज्यादा कि मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलती हूँ अपने चैनल पे, मुझे होता है कि कंटेंट अगर मेरा अच्छा है तो आप लोग अपने आप सब्सक्राइब कर दोगे, लेकिन हर बार मुझे डांट पड़ती है जैस्मिन से, उदय से, अभी फिर से पड़ रही है, तो ठीक है मैं आज पर बोला करूंगी सब्सक्राइब कर दो, अगर आपको वो वाला पार्ट अच्छा नहीं लगा तो उसको स्किप कर देना, पर मैं बोल दूंगी यार अगर आपका मन करे तो प्लीज कर देना यार बस, ठीक है। इनको ये होता है कि ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब करना चाहते नहीं है वो, लेकिन कई बार उनके माइंड से वो चीज स्लिप हो जाती है। ये लोग मुझे यहाँ तक भी बोलते हैं कि जिनके 1 मिलियन 2 मिलियन 10 मिलियन तक फॉलोवर्स हैं वो लोग भी बोलते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब करो, तो तू नहीं बोलती है तो ठीक है मैं आपसे बोल दिया जरूर, फाइन, खुश, बहुत बढ़िया, अत्युत्तम। सिस्टर मेरी फैशन डिज़ाइनर है गाइस, मतलब उसका अपना खुद का एक बहुत ही फेमस बुटीक है हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में, और इस काम का आज का नहीं बहुत सालों का एक्सपीरियंस है उसे, एक से बढ़कर एक सूट्स आपको उसकी शॉप पे मिलेंगे, पूरा टेलर्स का स्टाफ है उसके पास, डिज़ाइनिंग वो खुद करती है, हर तरह का हर जगह का डिज़ाइन उसके बुटीक पे स्टिच किया जाता है। मेरे और मम्मा के लिए भी वो सूट्स एज गिफ्ट लेके आई है अपने बुटीक से, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। वैरायटी ऑफ सूट्स देखने के लिए अगर आप चाहें तो आप भी उसके व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। दोनों लोग हमारी कंपनी नहीं कर रहे हैं गाइस, इनकी अलग एक कंपनी चल रही है यहाँ पे, कौन सी ऐसी बातें चल रही हैं इनकी, हमें कंपनी नहीं दे रहे हैं। आप लोगों को अकेला लग रहा है? ओह तेरे बिना मिस कर रहे हैं आप लोग, क्या मिस कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई मुंह पे कह रहे हैं। देखो बाहर मैं क्या करने जाती हूँ, काम करने जाती हूँ, मेरा काम बोलता है बाहर जाते, मैं चाहे फिट नहीं हूँ अभी पर जॉब पे सब क्यों पूछते हैं मुझे, क्योंकि मेरा काम वैसा है। मेरा टीम लीडर गया हुआ था छुट्टियों पे, मैं अभी 3 महीने हो जाएंगे हमें इस महीने एंड में, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे को देके गए थे कि मेरी एब्सेंस में तूने ये चीजें संभालनी है, वो चीज भी तो है ना, अब मेरे मोटे या पतले होने से वहाँ पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, मैं अपना बेस्ट करती हूँ हर जगह पे जाकर। एक बाप को अपनी बेटी की थोड़ी सी फिक्र होती है और कुछ नहीं है, उनको ये डर होता है कि तुम कभी हेल्थ इशू ना हो जाए, कोई मेडिसिन ना स्टार्ट हो जाए, बाद अगर खराब होगी तो मुझे दुख होगा ना, तो मेरी बेटी फिट रहे। तो चाहती तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं जिम भी शुरू कर दूँ, मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम भी कर लूँ, सब कर लूँ, पर वो कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपके मत सो ना, थोड़ा ठहर के सोना, बहुत नहीं बेटा आपने हैबिट बना ली है, वहाँ से आए और सोने की हैबिट बना लिया, सुबह जाते आप ऑफिस है ना, शाम को घर आते तब भी तो आपने वही होना था, आपने क्या बोलना था, फिर सोना था, फिर वही था ना रूटीन। बेटा तेरे को कोई और कोई काम नहीं है, हेल्थ उसके लिए तू कुछ भी कर, वॉक कर, जिम जा और तेरी जॉब, बाकी तो तुझे कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, तुझे बना हुआ खाना मिलना है, तेरे कपड़े धुले मिलने हैं, हम कुछ डिमांड नहीं करते इससे, और तेरे से कोई काम करवाना नहीं है। यहाँ निकलो घड़ी देख कर, जहाँ 15 मिनट हो जाते हैं वहाँ से वापस टर्न हो जाओ। आप ये सोचो कि अगर आधा घंटा आप डेली चल रहे हो तो आप महीने में 15 घंटे चल रहे हो, अभी क्या है आप 1 मिनट भी नहीं चल रहे हो। अभी तो बच्ची है, ये फीलिंग नहीं समझ सकती, जो फीलिंग बाप की फीलिंग है वो ये इसको समझने में नहीं आती। कल को तो ये बोलेगी कि अगर मैं गलत कर रही थी तो आपने मुझे रोक लेना, बिल्कुल। अब मतलब टारगेट वहाँ से आ गया दोबारा, बस अब बस रिपीट हो रहा है, अब चलो बस हो गया, चलो एंजॉय छोड़ो। बुटीक वाली मैडम जो है वो तैयार होके आ गई है, हम लोग जा रहे हैं अभी बर्ड सेंचुरी, तो अभी भी मुझे पता चला है कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है कपड़ों का। गाइस मैं आपको पहले बता दूं एडवांस में, क्योंकि इसके पास एडवांस में नॉलेज होती है, मुझे तो अभी तक नहीं पता था कि सलवारों का ट्रेंड जो है वो दोबारा से आ रहा है, जैसे हम प्लाजो पहनते हैं, पैंट प्लाजो पहन रहे हैं,
सलवारें वो भी ट्रेंडी वाली, कौन सी? पाकिस्तानी सलवारें, एंकल तक होंगी, एंकल तक होंगी, नीचे एडी तक नहीं होंगी। और ये हैं वो सूट्स जो वो मेरे और मम्मा के लिए एज गिफ्ट लेके आई है, कलर एंड फैब्रिक दोनों अमेजिंग। ये है इसकी शर्ट, बॉर्डर है पूरा, जैसे आपको पता ही है कि मैं हाई नेक पहनती हूँ ज्यादा, तो ये मेरे नेक पे आ जाएगा। और साथ में ये है बॉटम, तो पैंट प्लाजो जो बनवाती हूँ मैं वो, और नीचे भी पट्टी लगवाऊंगी मैं बॉटम पे। ये है इसका दुपट्टा, ये महेश्वरी सिल्क है। तो आपको ऐसे बहुत सारे सूट मिल जाएंगे मैडम की शॉप पे, जो लोग पास में रहते हैं उनको तो बहुत बड़ा अच्छा प्रिविलेज है। एड्रेस मैं डाल दूंगी, फोन नंबर डाल दूंगी, पेज है वो डाल दूंगी, उसका लिंक डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं मैम की शॉप, और जाके आना। इतने सुंदर सुंदर, और जो सूट इसकी शॉप पे मिलेगा आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही पीस होता है, वो डिजाइनर सूट्स होते हैं, बहुत चूज करके वो मंगवाती है और डिजाइन करती है खुद से, इस तरह से लगेगा ये सुंदर। जल्दी स्टिच करवाऊंगी मैं, फिर आपको पहन के दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच मैम। और ये मम्मा के लिए जो लेके आई है वो, ये कश्मीरी वर्क है गाइस, ऑन ऑर्गेंजा, ऐसे सूट नहीं मिलेंगे आपको कहीं और। ये दुपट्टा है इसका, प्योर शिफॉन दुपट्टा। तो मैं व्हाट्सएप नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप इनको मैसेज कर सकते हैं, जो सूट्स के डिजाइन आप देखना चाहते हैं, जिस तरह के सूट्स आप देखना चाहते हैं उसकी पिक्स वो आपको सेंड कर देगी। और अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आपके घर पहुंच जाएगा, ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है, आपको फैब्रिक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, घटिया फैब्रिक बिल्कुल भी वो अपनी शॉप पे लेके तक नहीं आती, गारंटी होती है कलर वगैरह की भी और स्टफ की भी। हर स्टेट का कपड़ा और हर तरह का प्रिंट और हर तरह की वैरायटी वर्क मिल जाएगा, थ्रेड वर्क हो या दूसरा वर्क हो कोई भी, तो आप जब जाओगे देखोगे तो पिक्चर्स मंगवाओगे तब आपको एक्चुअल में जजमेंट आएगी, तो आप एक बार ट्राई करके देखना, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए और मैडम को कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए, एज योर चॉइस। उसके काम की जो परफेक्शन है वो यहाँ से पता चलती है कि जो चीज़ वो खुद नहीं पहन सकती ना वो कभी अपने कस्टमर के लिए भी लेके नहीं आएगी। तो एक बार आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, आपको अपने आप सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एनीवेज ये है अगली सुबह जहाँ बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट फटाफट वाला, मतलब रात को भी डिनर में काफ़ी स्नैक्स वगैरह हो गए तो काफ़ी हैवी हो गया था, तो वही सिस्टर का वही कहना कि सिंपल रखना बिल्कुल ब्रेकफास्ट। तो मैं सैंडविच बना रही हूँ जिसमें मैंने सिर्फ शिमला मिर्च डाली है और साथ में मशरूम डाले हैं, पनीर डाला है, बाकी सीजनिंग वगैरह डाल दी है, थोड़ा सा दही डाला है, मेयोनीज वगैरह नहीं डाली। तो बस इसके मैंने सैंडविचेस रेडी कर लिए, साथ में मेरा भी फेवरेट है और मेरी सिस्टर का भी फेवरेट है फ्रूट रायता। तो बस अभी ब्रेकफास्ट करके साथ ही हम लोग निकल जाएंगे बर्ड पार्क के लिए। चलो गाइस चलते हैं बर्ड सेंचुरी। पूरा मैंने आपको बर्ड सेंचुरी टूर दिया था लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे, देख सकते हैं मेरे चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। तो आज मैं आई उन लोगों को लेके, इनको भी दिखा देते हैं पंछी, शायद इन्होंने नहीं देखे। जाना तुम दोबारा गिरने? चलो दोबारा गिरने जाना तुमने, हैं कहते चलो। अभी हम आ गए हैं नक्षत्र वाटिका, उसके बाद आएगी राशि वाटिका जो ऑलरेडी हमने आपको दिखाई थी, उदय ने आपको पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया था। ऐसे नहीं आएगी अच्छी, उसके ऊपर बैठना पड़ेगा तो वो अच्छी आएगी। ऐसे ऐसे हाथ करो, ऐसे आपके हाथ से ले रहा है कुछ लोग। जो पंछी इनको रखना चाहिए सबसे यूनिक वो है कौआ, सबसे समझदार पंछी होता है, मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो दुश्मनियाँ पालता है। ये एक स्टडी परफॉर्म करी गई है, एक बंदे को मास्क पहनाएंगे, एक स्पेसिफिक लुक होता है मास्क का, वो पहना के ना उसको बोला कि तूने कौए के जैसे नेस्ट वगैरह से पत्थर मार जाके, वो कौए ने देख लिया, उसको अटैक कर दिया। अब क्या होगा कि हर बार जब कोई बंदा वो मास्क पहन के निकला था ना, कहते कि कौओं ने उस पर अटैक किया था। दूसरे स्टेट में भी जा रहे हो ना, कहते कौओं का जो नेटवर्क है, आप अगर उस कौए को नहीं भी जानते ना, पर उसे पता है कि इस मास्क को देख के अटैक करना है। अच्छा, जो नेटवर्क है वो शेयर किया गया है कौओं के बीच, तो देयर नो दुश्मनियां पाल के रखते हैं वो पूरी जिंदगी। हैवी होती है वंशिका, ये ध्यान रखना तुझे कहीं धक्का मार दे और तू पीछे आ जाए। अजीमो शान शहंशाह। यहाँ के ना अलग ही फील आती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है ना, सारी तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी और प्लस इतने सारे पंछी, अलग अलग वैरायटी, पैरट्स हैं, स्पैरोज हैं, डक्स हैं अलग अलग तरह की। उन्होंने प्रॉपर ना पूरा डिस्क्राइब किया था कि मेल डक्स कैसी होती हैं और फीमेल डक्स कैसे होते हैं, बहुत सिंपल होता है, ब्राउन और वाइट कलर है, बहुत सिंपल कलर्स हैं। हाँ, तो वो फीमेल है। हाँ, हाँ, जो बहुत ज्यादा डेकोरेटेड कलर्स के अंदर है, लाल आंखें हैं, वो मेल है, वो मेल, दैट इज टू इंप्रेस द फीमेल्स, वो अच्छे दिखते हैं बहुत ज्यादा। कुछ बर्ड्स तो पूरे डांस प्रिपेयर करते हैं, अपना स्टेज साफ करके उसके ऊपर डांस नाच के दिखाते हैं फीमेल को, और क्या, आई कैन डांस सो वेल।
वो दिख रही है। तो डक सेक्शन खत्म हो गया है, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। बुलाया पे आ गया। तो बर्ड पार्क से निकलकर हम लोग पहुंचे सेक्टर 17, जहां जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कुछ शॉपिंग की सिस्टर ने और उनकी फैमिली ने। मेजर ऑफ अ मैन इज़ व्हाट ही डज़ विद पावर। कुछ फुटवेयर शॉपिंग की, कुछ बुक्स की शॉपिंग की, कुछ कपड़े खरीदे, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा वक्त हमने साथ में बिताया। 12 साल बाद, मतलब 12 साल का वनवास काट के वो मेरे घर आई थी। मतलब ऐसे हम लोग मिल लेते हैं कभी बड़े भाई के घर पे, कभी छोटे भाई के घर पे, या किसी अलग से फंक्शन पे, लेकिन एक दूसरे के घर जाना आना हमारा बहुत कम होता है। नहीं, दोनों ने सेम ही टी शर्ट उठाई है। इसके थोड़े मसल मेरे से ज्यादा हैं, पर बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। चलो चूज करो। तो चलिए, इस ब्यूटीफुल दिन को आपके साथ शेयर करने के बाद मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।